आप जो बना के दे रहे हैं उसे मार्केट में जो जा रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से बहुत फर्क है। ये एक्सपोर्टर जो है ना वही ज्यादा इसमें कमा रहे हैं ना, हाँ। जितना भी जा रहा है उन्हीं के पास उन्हीं के पास जा रहा है, वो वही 10% हमारे पास आता है। 9 इसमें ये एक ऐसा क्राफ्ट है इसमें बहुत प्रॉफिट है, कम से कम इसमें 600% ज्यादा प्रॉफिट है। 600% प्रॉफिट जी। उससे भी मतलब ज्यादा, मैं कह रहा हूँ फिर भी कम, इससे भी ज्यादा है क्योंकि अंतर बहुत है ना उनमें और हम में। उनके पास है 5-star होटल्स जो एक्सपोर्टर है, जो आर्टिजन है वो मुश्किल से अपना दिन निकाल रहा है जी। यही है 5-star होटल जैसे आप कह रहे हैं तो वो वहाँ पे रख के उसको आगे मतलब वहीं बेचते हैं, वहीं या लोगों को बुलाते हैं जो ना। वो मैं नहीं कह, मैं मतलब इसमें इतनी कमाई है उनकी, वो ये मतलब इसमें निकालते नहीं है, इसमें इससे जो कमाते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे। अच्छा। होटल्स में हॉस्पिटल्स में जो मतलब जो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसमें वो करते हैं। बड़े बड़े शोरूम्स हैं उनके पास हर किसी जहाँ पे, यहाँ पे फेमस जगह है गुलमर्ग पहलगाम, वहाँ वहाँ पे उनके शोरूम्स हैं होटल्स हैं। मगर इसी काम से पहले उन्होंने बेसिकली कमाया है। तो जैसे आपको उनकी ज़रूरत पड़ती होगी एक्सपोर्टर्स की ना, हम मजबूर हैं वरना हम क्यों करेंगे उनके सब काम, हमें पता है वो कुछ नहीं दे रहे हैं, उनके पास ये सारा जा रहा है, हम मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमने बहुत टाइम इसमें सर्व किया कि इसको सीखने में। ये स्किलफुल और ये काम है, इसमें ये नहीं लगे कोई लेबर आप बाहर से लाएंगे तो फिर वो करेगा 3 दिन में, 10 दिन इसमें कम से कम 10 साल 5 साल लगेंगे अच्छा सीखने में। हम पढ़ते भी थे तो इसके साथ काम भी करते थे, मगर ये भी सीखते सीखते चलते हमने ऐसे नहीं सीखा है, हम खुद हमने फिर सीखा है। तो आपने इस काम को चुना या काम ने आपको चुना? मतलब घर में भी परेशानी थी, मतलब ज़्यादा मतलब इनकम नहीं थी तो फिर उसी से हमारा भी गुजारा चलता था, पढ़ाई भी करते थे, फिर फर्दर हम यूनिवर्सिटी वगैरह और पढ़ते एम कॉम वगैरह, फिर हमारे पास पैसे नहीं थे। अगर मतलब ऑर्डर बाहर से आता है ये डायरेक्टली ऑटिज़म के पास आना चाहिए, डायरेक्टली अगर ऑटिज़म के पास आएगा तो फिर वो ठीक है, थ्रू मतलब एक्सपोर्टर थ्रू एनी अदर कंपनी और एनी अदर पर्सन, उसमें उसी के पास ज़्यादा है सारा प्रॉफिट। मैंने कहा ना आपको इसमें कम से कम 700% भी है उसमें प्रॉफिट उनको, फिर भी यहाँ पे बहुत एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट है इसी कश्मीर में, मगर इसमें नहीं जाते हैं तो वो चूज़ करता है कहीं इससे भी मतलब परेशानी कम हो, उसमें ज़्यादा कमाई हो, वही उसी रास्ते पे जाते हैं। बच्चे आजकल के तो फिर अब ना वो कभी सीखेंगे नहीं, जब इसमें जो आर्टिज़न थे या वो छोड़ रहे हैं तो नया कहाँ से आएगा। जैसे आपको अभी तक किसी तरह की कोई सरकारी मदद नहीं मिलती ना? सरकारी मदद कहाँ मिलती है? नहीं मिलती। क्या ऐसा है कि आप तक योजनाओं की जानकारी नहीं है या फिर कोई मतलब आप भी नहीं जाके पूछ सकते? जानकारी भी नहीं है हमारा, उनके साथ उठना बैठना भी नहीं है, हम उनके पास जाते ही नहीं है ऑफिस में। मगर वो नाप देने के बराबर जब इसमें जब हमने काम किया ना उनके पास दिया ऑर्डर फिर गए पैसे मांगे के वो लोग शाम को आओ, शाम के बाद बोलते कल आ जाओ परसों आ जाओ, फिर वहाँ से चेक देंगे जाएंगे बैंक पे बोलेंगे वहाँ पे पैसे नहीं है। उधर ही थोड़ा बहुत और कुछ नहीं कह सकते उसको, उसको पता है कहीं नहीं जाने वाला है।